तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत कुछ आज आप सबको दिखाएंगे कि हमारे गांव में। और सबसे पहले मैं आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहूंगी। और मेरे गांव में आज रामनवमी है, गांव में क्या हर जगह मतलब रामनवमी है, तो आज कैसे मनाया जाता है रामनवमी आप सबको दिखाएंगे। तो हम लोगों की घर में जो होते हैं ना, मतलब कुल पूजन जो कुल देवी होते हैं उनका पूजा होता है, तो हमारे गांव में किस तरह से पूजा जाता है। तो रामनवमी देखिए हमारे तरफ ना, देखिए कैसे पूजा होता है। हम लोग चने की दाल को ना उबाल लेते हैं या तो रात में इसको फुला देते हैं। तो रात में देखा मैं आग लगा हुआ, तो रात में हमने ना चने की दाल को मतलब फुलाने की आग नहीं था इसलिए नहीं फुलाए, तो इसको कढ़ाई में डालकर इसको देखिए उबाले हैं। तो उबाल के अब इसे सारा मसाला देकर और तेल में इसे तलेंगे, और तलने के बाद ना इसके दाल पुए बनाएंगे। दाल पुए इसको मतलब पुए में डालकर दाल पुए बनाएंगे और पूरी बनाएंगे। उसके बाद हमारे जो कुल देवी होती हैं उनकी पूजा होती है आज इसी चीज से। और मैं किस तरह से बनाऊंगी दाल पुए आप सबको दिखाऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा कि किस तरह से मैं बनाऊंगी। और उसमें देखिए बन भी रहा है, जो ये जो बना है ना ये घर में खाने के लिए इसे बनाएंगे, लेकिन जो देवी देवताओं को चढ़ाएंगे वो देखिए वहाँ पे ईटे की चूल्ह पे बन रही है, क्योंकि ये सब चूल्हा है जो कि अछूत हो चुका है, इस पे खाना बनता है इसलिए इस चूल्हे पे नहीं बन रहा है, वो नए ईटे को धोकर उस पे बन रहा है। तो उधर चढ़ाने के लिए देवी देवताओं के लिए उधर बन रहा है वहाँ पे, मतलब तो आप लोग अगर देख सकते हैं तो जाकर दिखाइए, तो देखिए उधर किस तरह से बन रहा है चूल्हे पे, यहाँ से भी तलक रहा है। तो वो बन रहा है, मतलब मेरा बाबा जी घर वही है, उसी में बाबा जी रहते हैं, तो वहीं पे बन रहा है और वहीं पे वो चढ़ेगा। और इधर मैं बनाऊंगी जो कि घर के सभी सदस्य खाएंगे और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, तो आप सबको जरूर मैं दिखाऊंगी, बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोग दाल पुए बनाते हैं। और ये दाल पुए ना हमारी रामनवमी में हर जगह हर गांव में आज मिलेगा, तो अगर आप सब भी चाहिएगा दाल पुए खाने के लिए तो गांव में आ जाइए, हमारे घर ही आ जाइए, आप सबको भी जरूर मिलेगा। तो हम बनाएंगे और आप सबको जरूर दिखाएंगे, तो कुछ देर के लिए बने रहिए वीडियो में, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे दाल पुए बनते हैं। तो दोस्तों मैंने जो आपको बताए थे कि दाल पुए हम बनाएंगे, तो दाल पुए हमारे बनने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये चने के दाल को मैंने स्वादिष्ट बना दिया है, किस तरह से तेल में प्याज का फोरन देकर और गोलकी गरम मसाला और ये सब मतलब पीस कर सिल पे पीसे थे। गांव में हमारे सिल पे ही पीसा जाता है अभी भी मसाला, तो हम लोग सिल पे पीसे और तेल में मसाले को पहले भूज दिए प्याज का फोरन देकर, उसके बाद ऊपर से चने की दाल को उसमें डालकर भूजे हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट हो गया है। तो अब इसे हम किस तरह से बनाएंगे, आटे की छोटी सी लोइयां लेंगे जो मैंने पहले से ही बना रखा है, ये इस तरह से मतलब जगह बनाते हैं, इस दाल को इसमें डालेंगे, तो इसको इस तरह से बनाकर और फिर दाल को इसमें डालेंगे, इस तरह से डालेंगे और इसको बंद कर देंगे। और धीमी आंच में इसे सिझाना है, धीमी आंच में सिझेगा तो अच्छी तरह से सिझ जाएगा, इसलिए देखिए इसको इस तरह से बंद कर दिए, दाल को बंद कर दिए और इस तरह से ऐसे बना दिए। और इसे तेल में देखिए ऑलरेडी तेल में तल रहा है, बनाए थे हमने चार ठोर, तो इसे तेल में धीमी आंच में इसे तल रहे हैं। तो इसी तरह से हम मतलब दाल पुए बनाते हैं। और हमारे घर में पूजा हो रही है, रामनवमी का पूजा हो रहा है और हम ये सब खाने के लिए अलग से बना रहे हैं। और मेरे घर में अभी मतलब उदासी कहा जाता है, उसी तरह से पूजा होता है, धाजा नहीं अभी मतलब बजरंग बली का होता है, तो इसलिए उदासी ही पूजा होता है। और बहुत जगह तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि सत्यनारायण स्वामी का कथा आज होता है और धाजे वगैरह ये सब पटाखे हैं जो कि फहराए जाते हैं आज रामनवमी के दिन। और रामनवमी किस लिए मनाया जाता है कि आज के ही दिन राम जी जन्म लिए थे, 12 बजे दोपहर में राम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए रामनवमी मनाया जाता है। तो हमारे गांव में आज तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, पंडित जी का झोला छीना छीनी होता है। मेरे मम्मी के यहाँ मैंने देखा है बचपन से
कि आज के दिन ना पंडित जी का झोला छीना छीनी होता है, क्योंकि एक ही पंडित जी होते हैं, पूरे गांव में धाजा फहराना होता है, तो लोग ना जबरदस्ती करते हैं, वो कहते हैं मेरे घर चलो मेरे घर चलो, तो आज के दिन ना झोला छीना जाता है, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तो ओके बाय।